कंग्रेचुलेशंस इफ यू आर गेटिंग मैरिड दिस सीजन, या अगर है आपकी बेटी की शादी, बहन की शादी, भतीजी की शादी, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। शादी एक ऐसा वक्त होता है जीवन का जब हम बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। हमें शॉपिंग करनी होती है, मैरिज अरेंजमेंट्स करने होते हैं, अपनी ग्रूमिंग करनी होती है, अपना ज़्यादा ध्यान रखना होता है और अपने पर्सनल इमोशंस को भी हैंडल करना होता है। तो इतनी सारी चीज़ों के बीच में जब आप करते हैं शॉपिंग, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो समझदारी से की जाए, जिससे कि शादी के 4 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल के बाद आप अपने आप से ये ना कहें कि मैंने अगर ये ना खरीदा होता तो अच्छा था। तो पहली चीज जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है 80-20 रूल। 80-20 के रूल में आपको 80% शॉपिंग वो करनी है, चाहे वो आउटफिट्स के लिए हो, फुटवेयर, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, एनीथिंग। आपको 80% चीजें वो लेनी है जो हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं, और 20% शॉपिंग आप कर सकती हैं ऐसी ट्रेंडी चीजों की जो शायद कल फैशन में ना हो। उससे आप बचाएंगी अपने और अपने पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे, और ये भी बहुत कम चांसेस है कि आप फंसे ऐसी सिचुएशन में शादी के बाद कि आई हैव नथिंग टू वेयर। ब्राइडल शॉपिंग करते वक्त आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ ट्रेडिशनल किस्म की एम्ब्रॉयडरीज या टेक्निक्स में, लाइक कांथा, फुलकारी, लखनवी एम्ब्रॉयडरी, पटोला, इक्कत, अचरक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आप इन्हें किसी भी वक्त पहने। तो आपको ज़रूर ऐसी एम्ब्रॉयडरीज में या ऐसी टेक्निक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप करना चाहती हैं एक टाइमलेस ब्राइडल शॉपिंग। तो आपको इन्वेस्ट करना है कुछ मस्ट हैव साड़ीज़ में। हो सकता है कि आपने शादी से पहले कभी साड़ीज़ ना पहनी हो और आप बिगनर हो, लेकिन मिनिमम 2 साड़ीज़ में आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकती हैं, कुछ ट्रेडिशनल 2 साड़ीज़ में, क्योंकि साड़ी ही सिर्फ ऐसा गारमेंट है जो आपके पूरे ऑरा को चेंज कर देता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगी कुछ ऐसी साड़ीज़ में तो आप उसको कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगी। आजकल मार्केट में प्री ड्रेप साड़ीज़ भी मिल जाती हैं। अगर आप साड़ीज़ पहनने में कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं या अगर आप बिगनर हैं साड़ी पहनने में, तो शादी का मतलब बहुत सारी हैवी ज्वेलरी, बहुत सारी हैवी एम्ब्रॉयडरी और बहुत सारे हैवी हैवी कपड़े। लेकिन आपको कुछ लाइटर वर्जन्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका शादी का लहंगा, ऑफ कोर्स वो हैवी ही होगा, तो जरूर आपको एक बिल्कुल लाइट जॉर्जेट, शिफॉन या सिल्क में एक सिंपल सा लहंगा जरूर बनवाना चाहिए, जिसे आप छोटे इवेंट्स में पहन सकें। आप जरूर बहुत ही डिफरेंट फील करेंगी बहुत सारे हैवी हैवी कपड़ों को पहनने के बाद कि आपने ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट की थी जो एक लाइटर वर्जन बनाया था। अगर आपकी शादी का लहंगा जो जरूर ही लाल, मरून या ऑरेंज जैसे ब्राइट कलर्स में होगा, तो आप चेंज के लिए एक लाइट पेस्टल कलर के लहंगा में इन्वेस्ट कर सकती हैं और उसे आप डे फंक्शंस में या छोटे फंक्शंस में यूज कर सकती हैं, जो कि सेमी फॉर्मल फंक्शंस होते हैं जहां पर काम नहीं आते हैं आपके बहुत ज्यादा हैवी लहंगा। शादी की शॉपिंग करते वक्त आपको इस बात को समझना है कि एम्ब्रॉयडरी का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी शादी की पिक्चर्स में। जब भी आप अपने कपड़ों के अंदर बहुत ही महीन एम्ब्रॉयडरी खरीदते हैं, तो वो ज़रूर हो सकता है कि दूर से फोटोग्राफ्स में बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं बहुत बड़े बड़े मोटिव्स में, थोड़ी थिक किस्म की हैवी एम्ब्रॉयडरी में, तो वो फोटोग्राफ्स में बहुत अच्छी लगती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हैवी बिग मोटिव्स जैसी एम्ब्रॉयडरी में इन्वेस्ट करें। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। आपको कुछ ऐसे कपड़े खरीद रहे हैं जिस बहुत ही महीन काम हो, और कुछ ऐसे कपड़े जो कि मेन इवेंट्स के कपड़े हैं उनमें अगर आप बड़े मोटिव्स को पहनेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक फोटोग्राफ्स जो होती हैं ऐसे मोटिव्स से ज़्यादा बेटर आती हैं। मेरे इस नेक्स्ट टिप के साथ बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है सारी ब्राइड्स को, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये टिप आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। जब आप अपना ब्राइडल लहंगा बनवाएं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने ब्राइडल लहंगा में 2 ब्लाउजेज में इन्वेस्ट करें। एक हो आपका वो ब्लाउज जिसे आप शादी वाले दिन पहनेंगी, और उसी फैब्रिक का एक लाइटर वर्जन ऑफ ब्लाउज जिसे आप बाद में अपने आने वाले करवा चौथ में या किसी और कजन की वेडिंग में यूज कर सकती हैं। इसी तरीके से इन्वेस्ट कीजिए 2 किस्म के दुपट्टाज में।
आपका जो शादी का दुपट्टा होगा वो जरूर ही काफी हैवी होगा, लेकिन अगर आप उसके साथ एक नेट का हल्का दुपट्टा बनवा लेंगी तो वो हमेशा उसी से मैचिंग रहेगा और आप उसे बार बार रियूज कर पाएंगी। और ये सजेशन आपको शादी ही के वक्त में करने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ से भी आप ब्राइडल लहंगा खरीदते हैं, जब आप उन्हें दो ब्लाउजेज और दो दुपट्टा बनाने को बोलते हैं तो उस वक्त कलर में और एम्ब्रॉयडरी में वेरिएशन नहीं आता है क्योंकि ऑलरेडी आपका ब्राइडल लहंगा बन रहा होता है। जब आप बाद में डिसाइड करते हैं कि मुझे लाइटर वर्जन ऑफ ब्लाउज बनवाना है या चोली बनवाना है या एक और दुपट्टा बनवाना है, तो ये बहुत मुश्किल है कि आपको सेम एम्ब्रॉयडरी, सेम फैब्रिक का टेक्सचर या सेम कलर मिल जाए। ब्राइडल शॉपिंग हमेशा आपको अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग करनी चाहिए और ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है आपकी बहन, आपकी फ्रेंड या वो लोग जिनसे आप अपनी शॉपिंग में इन्फ्लुएंस होती हैं, उनका बॉडी शेप आपके बॉडी शेप से अलग हो, लेकिन आपको अपनी ब्राइडल शॉपिंग करते वक्त अपने बॉडी शेप को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। आपको ऐसे सिल्वेट्स को चुनना है जिसमें आप अपना बेस्ट वर्जन लगती हैं। और अगर आपको अपने बॉडी शेप को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो इस चैनल के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है जो बॉडी शेप के ऊपर बात करती है और उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। सॉलिड कुर्ता सेट्स आपको लिबर्टी देते हैं कि आप उन्हें मिक्स एंड मैच कर सकती हैं अलग अलग दुपट्टास के साथ, अलग अलग प्लाजो पैंट्स के साथ, तो जरूर इन्वेस्ट कीजिए कुछ सॉलिड कुर्ता सेट्स में। एंड अगेन, सॉलिड कुर्ता सेट्स कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सॉलिड कलर्स में इन्वेस्ट करने का। तो ये लाइफ का वो टाइम है जब आप दिखना चाहती हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए आपको पता होनी चाहिए अपनी स्किन अंडरटोन। जब आपको पता होती है अपनी स्किन अंडरटोन तो शॉपिंग बहुत ही आसान हो जाती है। आपको एक ही नज़र में पता होता है कि ये कलर आपके ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं। तो अगर आपको स्किन अंडरटोन से भी रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो उससे रिलेटेड भी वीडियो है इस चैनल के ऊपर, आप उसको देख सकती हैं, समझ सकती हैं अपने स्किन अंडरटोन को और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकती हैं अपनी आउटफिट्स में, अपने मेकअप में और अपनी ज्वेलरी में। इन्वेस्ट इन मेटालिक एक्सेसरीज, और इससे मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड एंड सिल्वर कलर की मेटालिक एक्सेसरीज में। यानी कि जब आप अपने हैंडबैग्स खरीदें तो उन्हें रेड, ग्रीन, येलो में खरीदने से अच्छा है कि आप गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज में खरीदें। और इसी तरीके से जब आप अपने फुटवेयर्स खरीदें तब भी आप इन्वेस्ट करें मेटालिक कलर्स में। उससे आपको फायदा ये होगा कि जहां आप खरीदने वाली थी 8 to 10 पेयर्स अपनी आउटफिट से मैचिंग, वहीं जब आप मेटालिक कलर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मेटालिक कलर्स ज़्यादातर कलर्स के साथ मर्ज हो जाते हैं, जो आपको लिबर्टी देते हैं कि कुछ शॉपिंग आप बाद में भी कर सकती हैं। लेकिन जब आप सॉलिड कलर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी शॉपिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है क्योंकि आप ग्रीन कलर के सैंडल्स को येलो कलर की आउटफिट के साथ नहीं पहन सकते हैं, लेकिन आप गोल्ड कलर के फुटवेयर को बहुत सारे अपने आउटफिट्स के साथ मैच कर सकते हैं। तो आपने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को कहते सुना होगा कि सबसे गंदा मेरा मेकअप हुआ था मेरी शादी वाले दिन, और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज्यादा सर्च करते हैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए, या जो मेकअप आर्टिस्ट आपके फ्रेंड्स और फैमिली सजेस्ट करते हैं आप उन्हें जाकर बुक कर देते हैं। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट को लेकर आपको कभी भी अपनी शादी में रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहां तक कि मैं ये कहूंगी कि जो लोग सिर्फ इस सीजन में वेडिंग भी अटेंड करने वाले हैं उन्हें भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा मेकअप आर्टिस्ट ट्राई एंड टेस्टेड जो है वो बुक करना चाहिए, और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले ही किसी ओकेजन के लिए मेकअप जरूर करवा कर देखें उस मेकअप आर्टिस्ट से, जिससे वो आपके स्किन अंडरटोन के अकॉर्डिंग कर सके आपका मेकअप। आपके मेकअप आर्टिस्ट में और आप में एक केमिस्ट्री होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस केमिस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले आप अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें जिसमें आप उसे बताएं कि आपको कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, अगर आप लेंसेज लगाने वाली हैं तो कौन से कलर के लेंसेज आपके स्किन अंडरटोन के साथ अच्छे लगते हैं, आपको जूड़ा बनाना चाहिए या चोटी बनानी चाहिए, वो कौन सा हेयर स्टाइल है जो ज्यादा एनहेंस करेगा आपकी पर्सनालिटी को आपके शादी वाले दिन।
इन्वेस्ट इन गुड फोटोग्राफर, क्योंकि वो आपके लिए इकट्ठे करने वाला है कुछ मेमोरीज जिसे आप जिंदगी भर अपने साथ लेकर चलेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपके लिए कुछ ऐसी पिक्चर्स खींचे जिसे आप बार बार देखना चाहती हैं। तो इसलिए आपको मेकअप आर्टिस्ट की ही तरह फोटोग्राफर की चॉइस करते वक्त भी रिस्क नहीं लेना है। आपको ज़रूर फोटोग्राफर का प्रोफाइल चेक करना है, उनके किए गए काम को चेक करना है और उसके बाद उन्हें हायर करना है, क्योंकि आपकी फोटोग्राफ्स ही कितनी बार डिसाइड करती हैं कि जो आपने आउटफिट्स पहनी हैं वो आपके ऊपर अच्छी लग रही थी या नहीं। और आई थिंक इस सोशल मीडिया के जमाने में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक गलती जो मैंने अपने क्लाइंट्स को बहुत बार करते देखा है वो ये है कि जब उनकी शादी होती है तब उन्हें बहुत ज़्यादा फैब्रिक की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि आप लाइफ में तब काफ़ी यंग होते हो। आपकी मैक्सिमम शॉपिंग तब तक आपके पेरेंट्स ने की होती है, खासकर आपके फॉर्मल कपड़ों की शॉपिंग। लेकिन जब भी आप मार्केट जाएं अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप कुछ ऐसे फैब्रिक्स खरीदें जो ब्रीदेबल हों, क्योंकि आप शादी के बाद जरूर ही पहनने वाली हैं कुछ हैवी ज्वेलरी। तो जो भी फैब्रिक आपकी बॉडी से टच करे वो बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक होना चाहिए, और उसके लिए आप कुछ प्योर किस्म के फैब्रिक्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ऐसे फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल रहते हैं, जैसे कि प्योर सिल्क, प्योर क्रेप, यहाँ तक कि प्योर शिफॉन, प्योर जॉर्जेट तो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, जिससे आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड रहती है, जो नेचुरली एक ग्लो क्रिएट करती है आपकी फेस के ऊपर। और ये पॉइंट सबसे नेग्लेक्टेड पॉइंट रहता है जब हम ब्राइडल शॉपिंग करते हैं। जब हमारी शादी होती है तो ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रो नहीं होती मेकअप करने में, लेकिन मेकअप तो खरीदना ही होता है क्योंकि शादी हो रही है। तो इसलिए अगर आप अपने लिए मेकअप खरीद रही हैं, चाहे आप ज़्यादा मेकअप खरीद रही हो, चाहे कम खरीद रही हो, चाहे आपको मेकअप करना बहुत पसंद हो या बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन ब्रांड्स में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि जितने भी मार्केट में चीप मेकअप ब्रांड्स हैं वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म दे देते हैं और उन्हें बाद में रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहे मेकअप कम खरीदें या ज्यादा, हमेशा गुड ब्रांड्स में, गुड कॉस्मेटिक ब्रांड्स में इन्वेस्ट कीजिए। और एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो एक अच्छे ब्रांड का ब्लश और एक सस्ते ब्रांड का ब्लश आपके पूरे चेहरे के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। तो इसलिए आपको अपने मेकअप को खरीदते वक्त अच्छे ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना है। इंडिया में जब ब्राइडल शॉपिंग होती है तो बहुत बड़ा काम मानते हैं हम इस ब्राइडल शॉपिंग को, और मम्मी, मौसी, चाची, मामी हमें सब ज्वाइन करते हैं इस शॉपिंग के अंदर, और वो एक बहुत ही मज़ेदार टाइम होता है हम सबकी ज़िंदगी का। लेकिन आपको हमेशा सबसे पहले अपने पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल का ध्यान रखना है। आपका जो पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल है वो आपकी ब्राइडल शॉपिंग में भी नजर आना चाहिए, क्योंकि आपका स्टाइल ही रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी को। और अगर आप उसे क्रिएट करेंगी दूसरों की चॉइस से तो ये बहुत मुश्किल है कि आप अपना एक पर्सनल टच दे पाएंगी अपनी ब्राइडल शॉपिंग में। तो ज़रूर अपनी शॉपिंग को अपने पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल के अकॉर्डिंग कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल है ही नहीं और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को शॉपिंग में कन्फ्यूज्ड फील करती हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकती हैं 1-on-1 पर्सनलाइज सेशन के लिए भी। आपको बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी ब्राइडल शॉपिंग अपने पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल के साथ ही करें। आज का ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो मेरी रिकमेंडेशन है ब्राइड्स के लिए उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आज की मेरी मेहनत आप तक पहुंची हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।